हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सौरभ श्रीवास्तव आप लोग के सामने एक बार फिर से अपने YouTube के माध्यम से आपसे जुड़ने जा रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो को जो मैं आपके सामने ला रहा हूं, एक जो मैं नया सेगमेंट लेके आ रहा हूं, इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि आप भारत के किसी भी कोने में बैठे हुए, किसी भी गाँव में बैठे हुए, जैसे दिल्ली, बिहार, झारखंड, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, आप कहीं भी बैठे हुए हैं, आप किसी भी रीजनल जगह पर पढ़ रहे हैं, तो आप प्रॉब्लम आपको ये आता है कि आपको बेहतरीन शॉर्टकट नहीं मिल पाता है। उस बेहतरीन शॉर्टकट को प्राप्त करने के लिए आपको आपको दूसरे शहर में मूव करना पड़ता है, आपको दिल्ली आना पड़ता है, बिहार आना पड़ता है। तो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको उन सारी कमियों को फुलफिल करूँ, बेस्ट शॉर्टकट दूँ, बेस्ट कॉन्सेप्ट दूँ, और हर सवाल का मैं आपको बेस्ट शॉर्टकट दूंगा जो मार्केट में यूनिक होगा। और मेरा प्रयास ये होगा कि मैं सिर्फ एक मेथड से आपको बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह के 3:30 बज रहे हैं और आप लोग के डिमांड पे आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया कि सर स्क्वायर निकालने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं स्क्वायर निकालना। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप 2016 मेंस का पेपर देखें या 2015 मेंस का पेपर देखें, तो स्क्वायर पर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। प्लस जब भी आप मेंसुरेशन बनाते हैं तो पूरा मेंसुरेशन ही किसका खेल है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट का। और कई बारी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको स्क्वायर निकालने का जरूरत पड़ता है, और स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट का जरूरत सिर्फ मैथ ही नहीं, रीजनिंग में भी काफ़ी पड़ता है। भाई आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, और मात्र 20 मिनट के अंदर में आप किसी भी संख्या का स्क्वायर बिना कलम टच किए निकाल सकते हैं। बस आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, और बस देखिएगा नहीं, साथ में कलम कॉपी लेके बैठिएगा और मेरे साथ साथ उसको लिखिएगा, और जहाँ समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करिएगा, स्लो करिएगा, लेकिन साथ में लिखते रहिएगा, तब आपको ज़्यादा फायदा होगा, ऐसे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। देखो बच्चों, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। कि जब भी आप दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, दो सेम चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है स्क्वायर। जैसे एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, y इंटू वाई क्या हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, 101 का स्क्वायर तो 101 इंटू 101 हो गया। तो जैसे अगर आपको हम बोले कि 68 का स्क्वायर निकालिए, तो 68 इंटू 68 करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हम आपको बोले 153 को का स्क्वायर निकालिए, तो 153 को 153 से मल्टीप्लाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो आइए हम उसके लिए एक शॉर्ट टेक्निक सीखते हैं, देखते हैं बोर्ड पर ध्यान से। देखो बाबू, जब भी आपको शॉर्टकट में स्क्वायर निकालना हो, जब भी आपको शॉर्टकट में स्क्वायर निकालना हो, तो सबसे पहले आप उस नंबर के लिए एक बेस फिगर डिसाइड करेंगे। सबसे पहले आप उस नंबर के लिए एक बेस फिगर डिसाइड करेंगे, ठीक है। अभी बेस फिगर क्या होता है, तो हमने अपना एक बेस बना दिया है, 50-50 के डिफरेंस पे एक बेस बना दिया, ठीक है ना, 50-50 के डिफरेंस पे एक बेस बना दिया है। हम पहला बेस मानते हैं 50 को, अब अगला बेस जो होगा वो 50 से 50 ज्यादा होगा, क्या हो जाएगा बच्चे, 100। अब जो अगला बेस होगा वो 100 से कितना ज्यादा होगा, बोलो, ये हो जाएगा 150। इसके बाद का बेस क्या हो जाएगा बच्चे, 200। इसके बाद का बेस क्या हो जाएगा, 250। इसके बाद का बेस क्या हो जाएगा, 300। इसके बाद का बेस कितना हो जाएगा, 350। इसके बाद का बेस कितना हो जाएगा, 400, एंड सो ऑन। इसको आप जहां तक लेके जाएं कोई दिक्कत का बात नहीं। तो सबसे पहले हम एक बेस डिसाइड करते हैं, जैसे 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400। तो पहले आपने एक बेस को डिसाइड कर लिया। अब जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे 48 का स्क्वायर निकालना है, तो ये बताओ कि 48 किस बेस के नज़दीक है, पक्का आप ये बात बोलोगे 50 के नज़दीक है। तो 48 के लिए बेस क्या हो गया, 50। मतलब जिस संख्या का भी स्क्वायर निकाल रहे हैं उसका आप नज़दीकी बेस पकड़ेंगे। जैसे हम बोलेंगे 52 का स्क्वायर निकालना है, बेस क्या लोगे बच्चे, 50। मैं बोलूँगा 103 का स्क्वायर निकालना है, बेस क्या लोगे, 100। मैं बोलूँगा 99 का स्क्वायर निकालना है, बेस क्या लोगे, 100। मैं बोलूँगा 91 का स्क्वायर निकालना है, बेस क्या लोगे, 100। मैं बोलूँगा 153 का स्क्वायर निकालना है, बेस क्या लोगे, 150।
मैं बोलूंगा 212 का स्क्वायर निकालना है, बेस क्या लोगे 200 एंड सो ऑन, ठीक है ना। कहने का मतलब ये कि आप जिस नंबर का भी स्क्वायर निकाल रहे हैं उसके नजदीक का बेस पकड़िए, ठीक है, वही क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। 50 के बेस के लिए भी मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 150 के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 200 के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 250 के लिए 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 300 के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 350 के लिए 3.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 400 के लिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड सो ऑन। अभी जब मैं आपको स्क्वायर सिखाऊंगा तो आपके दिमाग में कई सारे प्रश्न उठेंगे, तो आप सारे प्रश्नों को दबा देना, बस मेरे बातों को ध्यान से सुनना, और जैसे ही मैं बोलूंगा कि मैंने स्क्वायर निकालना सिखा दिया, आपके हर प्रश्न का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। क्योंकि मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ और मुझे पता है कि आपको कब कहाँ क्या डाउट हो सकता है, तो आपके हर प्रश्न का जवाब आपको खुद ब खुद वीडियो के अंदर में मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसको देखे घबराने की क्या बेस है मल्टीप्लाई है, बहुत आसान सा बात है, मात्र आप 10 सेकेंड के अंदर में आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल लेंगे। 10 तो बहुत बहुत ज़्यादा बोल दिए, बहुत बच्चे बोलते ही आंसर बोल देते हैं। आओ देखते हैं, तो पहला काम हम लोगों ने क्या सीखा कि हमको बेस डिसाइड करना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला काम शुरू कर रहे हैं बच्चे, 100 के बेस पे स्क्वायर निकालना। देखिए स्क्वायर निकालने का तरीका तो बहुत सारा मार्केट में आता है, लेकिन जो भी तरीका होता है वो कंडीशनल होता है कि जब ये कंडीशन होगा तब ऐसे स्क्वायर निकालना, जब ये कंडीशन होगा तो ऐसे स्क्वायर निकालना। लेकिन हम लोग का जो कंडीशन है, हम लोग बस एक कंडीशन पढ़ेंगे और उसके उसी के ऊपर सारे नंबर का स्क्वायर हम लोग निकाल पाएंगे। और सबसे पहले हम लोग बेस 100 पे काम करना शुरू करते हैं। बस शुरू के 3 क्वेश्चन को बात को ध्यान से समझना है, फिर आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हमने बोला कि 104 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप सबसे पहले, मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले आप क्या डिसाइड करोगे, बेस डिसाइड करोगे। क्या डिसाइड करोगे, बेस। तो बेस कितना है बच्चे, 100। तो 104 100 से कितने दूरी पर है बोलो, तो आप 4 ही बोल रहे होगे, ठीक है। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 होता है। ये लास्ट का 2 डिजिट लेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको 104 का स्क्वायर निकालना है, सबसे पहले आप क्या डिसाइड करोगे, इसका बेस। बेस क्या हो गया बच्चे, इसका 100। तो 104 जो है वो 100 से कितनी दूरी पर है, 4। 4 का स्क्वायर होता कितना है, 16, ठीक है। और उसी डिस्टेंस को फिर क्या कर देना है, इसमें ऐड कर देना है। ये आ गया किसका, 104 का स्क्वायर। फिर से एक बार, बेस बेस कितने का है बच्चे, बेस 100 का है। तो सबसे पहले आपके आपको नंबर के डिफरेंस, नंबर और बेस के डिफरेंस का स्क्वायर करना है, उसको यहां लिख देना है और उस डिफरेंस को प्लस कर देना है, ठीक है। 104 का स्क्वायर, बेस कितने का है, 100। 100 से कितना दूरी हो गया, 4। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, और 4 को प्लस कर देंगे, 108, ठीक है। मैं बोलूंगा बच्चे 106 का स्क्वायर, फिर वही काम करेंगे। बच्चे बताओ बेस से कितना कितना डिस्टेंस बन रहा है, तो बेस 100 है और 106 का डिस्टेंस बेस से कितना आ रहा है, 6। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। कितना होता है, 36। अब इसमें 6 को ऐड कर देंगे, तो 106 प्लस 6 कितना हो गया, 112। 2 सेकेंड, 6 का स्क्वायर 36, 6 6 12, 112 36, ईजी। मान लो अगर मैं आपको बोलूँ कि 108 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप मुस्कुराते हुए क्या बोलोगे कि बेस 100, 100 से डिस्टेंस कितना हो रहा है बच्चे, 8। और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। और 8 8 कितना हो गया, 16, ठीक है। फिर से एक बार बता दूँ, बेस कितना 100, 100 डिस्टेंस कितना, 4। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। 4 प्लस कर दिए कितना हो गया, 108। बेस कितना 100, डिस्टेंस कितना 6, 6 का स्क्वायर कितना 36, 6 प्लस कर दिए कितना हो गया, 112। 108, बेस कितना 100, डिस्टेंस कितना 8, 8 का स्क्वायर कितना 64, 8 जोड़ दिए कितना हो गया, 116। अब देखिए, अब आपके मन में अगला प्रश्न क्या उठ रहा होगा, आपके मन में अगला प्रश्न ये उठ रहा होगा कि सर ये तो ठीक है, लेकिन जब छोटा होगा तब क्या करेंगे। तो किसी भी प्रश्न को उठने मत दो, बस ध्यान से मेरी बात को सुनते रहो, हर प्रश्न का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। अब ये हमने 100 के बेस के ऊपर का काम किया, अब 100 के बेस के नीचे का काम करेंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चे 99 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप फिर से मुस्कुराओगे एक बार और बोलोगे कि बेस कितना बन रहा है, 100, और 100 से दूरी कितना है, 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 0 1,
बस ये याद रखना है कि जब नंबर बेस से बड़ा होगा तो उस दूरी को प्लस कर देना, जब नंबर बेस से छोटा होगा तो उस दूरी को माइनस कर देना। ये नंबर बेस से कितना छोटा है? एक, तो कितना माइनस कर देंगे? एक। 9801। कॉपी पेन लेके बैठना और साथ साथ लिखना, तब ज़्यादा क्लियर होगा। जहाँ समझ में नहीं आया पॉज करना, रिपीट करना। 97 का स्क्वायर बच्चे, तो आप बोलोगे कि बेस कितना है? तो 100 है। डिस्टेंस कितना है? 3। और 3 का स्क्वायर होता कितना है आपको बताओ? 09। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 09। अब 97 में अगर तुम 3 कम कर दोगे, क्योंकि ये बेस से दूरी कितना है यहाँ पे? 3 है। 3 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9409। समझ पा रहे हो? अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 96 का स्क्वायर कितना होगा, तो फिर से आप बोलोगे कि बेस कितना है? 100। और 100 और 96 का डिस्टेंस कितना हो गया? 4। और 4 का स्क्वायर होता कितना है बच्चे? 16। और 4 को आप कम कर दिए तो 96 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 92। तो आपने देखा बच्चे कि हमने अभी 100 के बेस का स्क्वायर किया, और इसको फिर से एक बार रिवाइज कर ले, इसको हम लोग दो दो सेकेंड में कर लेंगे। बस करना क्या है कि नंबर और बेस दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर कर देना है, ठीक है? और वो लास्ट का 2 डिजिट हो जाएगा, और अगर वो बेस से बड़ा है तो डिस्टेंस को प्लस कर दीजिए, अगर वो बेस से छोटा है तो डिस्टेंस को माइनस कर दीजिए। जैसे 104 का स्क्वायर, बेस 100, दूरी 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 प्लस करेंगे 108। 106 बेस 100, दूरी 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 प्लस कर देंगे 112। बेस 100, दूरी 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 प्लस कर देंगे 116। बेस 100, दूरी 1, 1 का स्क्वायर 01, 1 कम कर देंगे 98। बेस 100, दूरी कितना? 3, 3 का स्क्वायर 09, 3 कम कर देंगे 94। बेस 100, दूरी 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 कम कर देंगे 92। गॉट इट? अब एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे आपको 2 डिजिट मिला तो आपने 2 डिजिट लिख दिया, 2 डिजिट लिख दिया। जब जरूरत नहीं कि हर बार 2 ही डिजिट मिलेगा स्क्वायर करने पे, कभी 1 भी मिल सकता है, कभी 3 भी, कभी 4 भी। उस केस में क्या करेंगे? तो आपको स्क्वायर करने के बाद हमेशा इस प्लेस पे 2 डिजिट ही रखना है, 2 डिजिट ही रखना है, ये आपका कंपल्सन है, 2 डिजिट ही रखना है, ना ही उससे कम ना ही उससे ज्यादा। अगर कम मिलेगा, कम मिलेगा तो आगे में आप 0 डाल देना, अगर ज्यादा मिलेगा तो कैरी को बगल वाले पे फॉरवर्ड कर देना। बस रिस्ट्रिक्शन है कि आपको यहां पे 2 ही डिजिट रखना है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। कम मिलेगा तो क्या करना? कैरी को फॉरवर्ड कर देना, सॉरी 0 लगा लेना, और जब ज्यादा ही मिलेगा तो क्या करना? कैरी को फॉरवर्ड कर देना, ठीक है बच्चे? चलो देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि 112 का स्क्वायर बताओ क्या हो, जरा बताना है। अभी बेस कितना है? 100। बेस कितना है? 100। और 100 से डिस्टेंस कितना है? 12। और 12 का स्क्वायर बच्चे होता कितना है? 144। तो बस लास्ट का 2 डिजिट 44 आपको लेना है, और 1 क्या हो जाएगा? बगर वाले पे कैरी। तो 12 12 24 और 1 25। वेरी इजी। अगर मैं आपको बोलूं कि 114 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बड़े आराम से बोलेंगे कि सर इसका बेस से दूरी कितना है? 100 है, ठीक है? इसका बेस से दूरी कितना है? 14 है। और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। तो आपको सिर्फ क्या लिखना है? 96। कैरी कितना हो गया? 1। तो 14 14 28 और 1 29। समझ पा रहे हैं आप लोग? मैं अगर आपको बोलूं कि 124 का स्क्वायर क्या होता है, फिर से आप मुस्कुराओगे एक बार और बोलोगे कि 24 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे? 576। हम लोग क्या लिख दिए? 76। कैरी कितना हो गया? 5। तो 24 24 48 और 5 कितना हो गया? 53। 15376। अगर मैं आपको बोलूं बच्चे कि 103 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बड़े आराम से बोलोगे कि डिस्टेंस कितना हो रहा है बेस से? 3, ठीक है? लेकिन आपको लेना कितना डिजिट है? 2 है ना? तो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9।
इसको आप नौ नहीं लिखिए, इसको आप क्या लिखिएगा? 09, ताकि आपको दो डिजिट यहाँ पे मिल जाए। तो दो डिजिट लिख दिए 09 और प्लस 3 कर दिए, कितना हो गया 10609। अगर मैं आपको बोलूँ कि 102 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलिएगा बेस कितने का है बच्चे, 100 का। दूरी कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 04, और 2 क्या कर देंगे इसमें प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10404। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 99 का स्क्वायर क्या होगा, तो फिर से आप एक बार आराम से बोलेंगे बेस कितने का है 100 का, दूरी कितना है 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 01, हमने 1 कम कर दिया कितना हो गया 98। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? कैसा है? ठीक है, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? ठीक है, ओके है, डन है, चलो थैंक यू। 88 का स्क्वायर, अगर मैं बोलूँ 88 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे बच्चे कि बेस कितने का है 100 का, दूरी कितना है 12, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। क्योंकि बेस से देखना है, बेस 100 है और ये दूरी कितना हो गया 12, है ना, 100 माइनस 88 दूरी कितना हो गया 12, और 12 का स्क्वायर होता कितना है 144। सिर्फ 44 लिखेंगे, कैरी 1 हो जाएगा, और चूंकि ये बेस से 12 कम है तो 12 घटा देंगे, कितना हो गया 76, और कैरी 1 ऐड कर देंगे, कितना हो गया बच्चे 77। स्पीड तो ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा है, स्पीड तो ठीक है, डन है, चलो। तो हम लोगों ने भी देखा कि हम लोग 100 के बेस पे अब किसी भी नंबर का स्क्वायर मुंहजवानी कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने कुछ नंबर्स बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ स्क्वायर बोल रहा हूँ, जैसे मैं आपको बोल दूँ 119, तो आप तुरंत बोलोगे कि बेस 100 दूरी 19, 19 का स्क्वायर कितना होता है भाई 361, 61 लिख दिए, कैरी कितना बच गया 3, तो 19 19 38 और 3 41, तो 14161। ठीक है, चलो। तो आप लोग 100 के बेस पे किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखो, अब मैंने अपना कॉन्सेप्ट दिया, अगर आपको इसमें मास्टरी करना है तो आप क्या करोगे, अब अपने मन से बैठ के 10 नंबर लिख लिए, सबका स्क्वायर निकाल के और चेक कर लिए, सही आ गया तो ठीक, नहीं आ गया तो मुझे कमेंट करो, मैं उसका आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ाऊंगा। और आपको जिस टॉपिक पे भी दिक्कत हो रहा हो या जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा हो, आप वो मुझे भेजें, मैं उस पर एक अच्छा वीडियो बना के आप लोग के लिए पेश करूंगा। ठीक है बच्चे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये इस वीडियो के जरिए मैं आपके हर प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ। ठीक है, आइए। तो अभी हम लोगों ने 100 के बेस पे काम किया। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर ये आप लिखे गए जब आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया। तो बच्चे आप देख पा रहे हो कि 100 के बेस में मल्टीप्लाई कितने से करते हैं, 1 से करते हैं। 100 के बेस पे कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से करते हैं, और किसी भी नंबर पे 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम लोग इसका यूज नहीं किया। लेकिन आगे अब जब मेरा बेस बदलेगा, इसके अलावा और कोई भी बेस होगा, कोई सा भी इसके अलावा बेस होगा, तो आपको इस रूल को यूज करना पड़ेगा बच्चे। और कुछ कुछ खास बात नहीं है, बस यही लास्ट बात यही है कि जिस नंबर का भी आपको स्क्वायर निकालना है, सारा कुछ करने के बाद उसके बेस के मल्टीपल से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 200 के बेस पे कितना से मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम बोलोगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं बोलूँ कि 300 के बेस पे कितना से मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम बोलोगे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सब कुछ करने के बाद फाइनल मैं बोलूँगा 150 के बेस पे कितना से मल्टीप्लाई कर दे, आप बोलोगे 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। सारा नियम कानून वही रहेगा, बस एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, बेस के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके चलो, तो जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई 204 का स्क्वायर क्या हो सकता है, तो आप तुरंत क्या करोगे, कलम नहीं लगाओगे, मुस्कुराओगे पहले, है ना, और मुस्कुराने के बाद क्या बोलोगे बच्चे, मुस्कुराते हुए, क्योंकि तो हमारे क्लास में बच्चे मुस्कुराते रहते हैं। तो बेस कितने का है 200, डिस्टेंस 4, डिस्टेंस बेस से बेस कितने का है 200, डिस्टेंस कितना 4, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, बोलना। अब इसमें आप कितना प्लस करोगे 4, तो ये कितना हो गया 208। यहां तक 100 के बेस में कर रहे थे, अब इसमें एक स्टेप और क्या कर देंगे कि 200 के बेस पे कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, उसका हम कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कितना हो गया 416। तो इसको आप 5 सेकेंड में कर सकते हैं कि 200 का बेस दूरी 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 4 8, तो 208 गुना 2 कितना 416, 41616। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, और कॉपी पेन लेके बैठना, बार बार बोल रहा हूँ। मैं बोलूँ 206 का स्क्वायर, तो वही काम करना है आपको, कुछ अलग तो करना नहीं है। बेस कितने का बच्चे 200,
दूरी कितना? 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 जोड़ देंगे 212, 2 से गुना कर देंगे 424। मैं बोलूं 208 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे बेस कितने का? तो 200 का। दूरी कितना? 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, 8 जोड़ देंगे 216, 8 जोड़ देंगे 216, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 432, क्योंकि 200 के बेस पर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। मैं बोलूँ आपको कि 308 का स्क्वायर क्या होगा, फिर से आप मुस्कुराएंगे, बिल्कुल घबराएंगे नहीं, बोलेंगे बेस कितना? तो 300। दूरी कितना? 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 316, और 3 से गुना करेंगे 948। क्यों? क्योंकि 300 के बेस पर कितना से गुना करते हैं हम लोग? 3 से गुना करते हैं। मैं बोलूँ 402 का स्क्वायर क्या होगा, आप फिर से मुस्कुराएंगे, बोलेंगे बेस कितने का? 400 का। दूरी कितना? 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 04, 2 जोड़ दोगे कितना हो गया? 404 गुना कितना? 4, 1600। साथ में बोलते रहो मेरे, तब मजा आएगा, ऐसे नींद आने लगेगा। ठीक है भाई, अब मैं आगे बढ़ूँ। अब ऐसे मैं बोलूँ, आप बोलोगे सर ये तो आप बहुत फिगर ले रहे हो, 204, 208, थोड़ा बड़ा फिगर लो। चलो बड़ा फिगर लेते हैं, आपके मन में कुछ सवाल उठ रहा होगा। मैं बोलूँ 212, कोई दिक्कत का बात नहीं है, बेस 200, दूरी 12, 12 का स्क्वायर 144, कैरी कितना हो गया? 1, तो 12 12 कितना? 24, कितना से गुना करना है? 2 से, तो 448 प्लस 1, 449। तो ऐसे हो जाएगा फटाफट। जब भी कैरी ऐड करते हैं, कैरी हमेशा लास्ट में ऐड करते हैं, कैरी जब भी ऐड करेंगे सारा कुछ करने के बाद, जैसे यहाँ पे एक कैरी बचा था ना, तो कैरी को कब ऐड करना है? सारा कुछ करने के बाद लास्ट में ऐड करना है। अगर पहले ऐड कर दोगे तो, अगर पहले ऐड कर दोगे तो प्लस 1 × 2 क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा, है ना, क्योंकि मान लीजिएगा आप 224 पे ही पे ऐड कर दिए कैरी, तो 24 प्लस 1 कितना हो गया? 25। आप 25 को फिर 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 50। इसलिए कैरी को लास्ट में ऐड करते हैं, ठीक है ना। मैं बोलूँ आपको कि 318 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप फिर से एक बार आराम से बोल दोगे बेस 300, दूरी 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 324। तो बस लास्ट का दो डिजिट लिखना है आपको, 24 लिख दिया हमने, अब इसमें 18 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 336। अब 336 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1008 प्लस 3, 1011। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने किसी भी बिना बेस के नंबर को हम लोगों ने स्क्वायर किया और बहुत फास्ट किया, है ना। पहले क्या किया कि पहले किसका स्क्वायर निकाला? 204 का, तो बेस कितना हो गया? 200, दूरी कितना हो गया? 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 4 जोड़ दिया 208 गुना 2, 416, 206, बेस कितना? 200, दूरी कितना? 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 जोड़ दिया 212 गुना 2, 424, 208 का स्क्वायर, बेस कितना? 200, दूरी कितना? 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 जोड़ दिए 216 गुना 2, 432, 308 का स्क्वायर, बेस कितना? 300, दूरी कितना? 8, 8 का स्क्वायर कितना? 64, 8 जोड़ दिए 316 गुना 3, 948, एंड सो ऑन। एक यहाँ देख लेते हैं, 318 का स्क्वायर, बेस कितना? 300, दूरी कितना? 18, 18 का स्क्वायर 324, 324, 24 लिख दिया, कैरी कितना हो गया? 3, 18 कितना हो गया? 336 गुना 3, 1008 प्लस 3, 1011। ठीक है, अब दो तीन क्वेश्चन थोड़ा कम नंबर पे कर लेते हैं, अभी तो सारा बेस के प्लस था, तो एक बेस के माइनस पे कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको कि भाई 198 का स्क्वायर क्या होगा, तो बड़े आराम से मुस्कुराते बोलोगे कि बेस कितने का बन रहा है? 200 का, दूरी कितना हो रहा है? 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 04। बेस कितने का, ध्यान देना, बेस से डिस्टेंस लेना है, बेस कितने का बन रहा है? 200, 200 से दूरी कितना? 2, 2 का स्क्वायर 04 माइनस 2 कितना हो गया? 196 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 39204। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल लेंगे। मैं बोल दूं 292 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप आराम से बोलोगे कि बेस कितना? 300, दूरी कितना? 8, बेस कितना? 300, दूरी कितना? 8,
आठ का स्क्वायर कितना हो गया 64, और आठ कम कर दिया हमने कितना हो गया 284। अभी तो कितना से गुना करना पड़ेगा, तीन से, तो चार तियाई 12, कैरी एक 24 और एक 25, 6 और 2 8, 852, 64। ठीक है भाई, तो इस तरह से अब आप किसी भी बेस पे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको अभी 100 के बेस के ऊपर लेके चल रहा था या नीचे, हमने 50 के बेस पे तो बात ही नहीं किया अभी तक, तो मैं आपको 50 के बेस पर स्क्वायर निकालना सिखा रहा हूँ बच्चे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे तरीका चेंज करेंगे, हल्का सा चेंज करेंगे, वो चेंज इसलिए करेंगे इस तरीका से वो मिलेगा, लेकिन हल्का सा चेंज करेंगे ना तो काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और आपको ही पता होगा कि जो सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ता है स्क्वायर में वो 50 के बेस के आसपास का पड़ता है। ठीक है बच्चे, ध्यान से एकदम, अगर थक जाओ वीडियो को पॉज करना, ठीक है ना, समझ नहीं आए दोबारा देखना, फास्ट लगे स्लो कर लेना। ठीक है, तो देखो बच्चे मैं एक बात आपको सिखाने जा रहा हूं कि यहां पे हम लोग दो तरह का फिगर लेंगे, एक फिगर लेंगे बेस फिगर जो जिसको आप 50 मान सकते हैं, दूसरा फिगर लेंगे मैजिक फिगर जिसको आप 25 मान सकते हैं। एक फिगर लेंगे बेस फिगर जिसको आप 50 मान सकते हैं, दूसरा फिगर लेंगे मैजिक फिगर जिसको आप 25 मान सकते हैं। ठीक है, किसी ने सही कहा है कि सुबह उठ के पढ़ने से चीज़ें बहुत समझ में आती है। आज मैं बहुत दिनों बाद 3 बजे उठाऊँ तो बहुत फ्रेश फ्रेश लग रहा है। आप लोग भी सुबह उठ के पढ़ा करें, आप लोग को अच्छा लगेगा, है ना। चलिए, अब मिली कभी नहीं पढ़े, आप लोग भी सुबह उठ के पढ़ रहे हैं, हो सके आप लोग मेरे इस मेहनत को कामयाब करें, है ना, और इस ज्ञान का कोई गुरु दक्षिणा नहीं है। लेकिन कहा गया है कि बिना गुरु दक्षिणा का लिया हुआ ज्ञान कभी भी फलता फूलता नहीं है, तो गुरु को गुरु दक्षिणा उसके मनोकामना के अनुसार देना चाहिए। तो बस इस वीडियो का गुरु दक्षिणा ही होगा कि आप जानते ही हैं, इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें और जो प्रयास हम कर रहे हैं उसको सफल बनाएं, इसमें आकर वो सहयोग देना है, बाकी तो सब चल ही रहा है। हाँ, तो बेस फिगर काम वही चलेगा, नियम कानून में कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्क्वायर किसका निकालना है, 58 का, तो बेस वही होगा 50, दूरी कितना होगा 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। ठीक है बच्चे, और लास्ट में दो ही डिजिट लेना है आपको, ना उससे कम लेना है ना उससे ज़्यादा लेना है। एक्चुअली में सुबह सुबह का टाइम है ना, थोड़ा ओट फंस जा रहा है कभी कभी। बेस कितना 50, दूरी कितना 6 का स्क्वायर 36, क्योंकि कल मैंने कल के हमें रोज़ सुबह 7 बजे से लेके 8 बजे तक क्लास लेता हूँ लगातार, और फिर घर आते आते 10 बज जाता है, और फिर आज मैं मात्र 2 घंटा सोया हूँ और आपके सामने वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा थकान भी लग रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं। बेस कितना 50, दूरी कितना 2, 2 का स्क्वायर 04, बेस कितना 50, दूरी कितना 4, 4 का स्क्वायर 16, बेस कितना 50, दूरी कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना 09। ठीक है, अब मेरा आपको एक बात कहना है कि नंबर 50 से बड़ा हो या छोटा उससे कोई मतलब हमको नहीं है, आप बस उस नंबर में से क्या करिए, मजा आ रहा होगा आपको, 25 कम करते जाइए, तो 58 में 25 कम करेंगे, बोलो कितना आ जाएगा 33, 56 में 25 कम करेंगे बोलो कितना आ जाएगा 31, 48 में 25 कम करेंगे बोलो कितना आ जाएगा 23, 46 में 25 कम करेंगे बोलो कितना आ जाएगा 21, 53 में 25 कम करेंगे बोलो कितना आ जाएगा 20 है ना 28। फिर से एक बार, सारा नियम कानून वही रहेगा, सारा नियम कानून सेम रहेगा, बस लास्ट में हम क्या करेंगे 25 क्या कर देंगे उसमें घटा देंगे, बोलेंगे 58 का स्क्वायर, बेस कितना 50, दूरी कितना 8, 8 का स्क्वायर 64, 25 कम कर देंगे कितना हो गया 33, बेस कितना 50, दूरी कितना 6 का स्क्वायर 36, 25 कम कर दिए कितना हो गया 31। इससे फास्ट आप निकाल सकते हो क्या, 2 सेकंड में सबका स्क्वायर निकल जाएगा, और बिना कोई कंडीशनल तरीका के हर नंबर का स्क्वायर निकलेगा, चाहे नंबर कुछ भी हो। बेस कितना 50, 50 का स्क्वायर कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना 04,
25 कम कर दिए कितना 23, ठीक है ना, 46 का स्क्वायर। तो बेस कितना 50, दूरी कितना 4, है ना, 46 और 50 का दूरी कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, कितना कम कर दिए 25, कितना हो गया 21। बेस कितना 50, 50 से दूरी कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना 09, इसमें 3 कम कर दिए कितना हो गया 25, कम कर दिया कितना हो गया 28। नेक्स्ट अब यहाँ देखना, बोलेंगे 62 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर, तो बेस कितना बचे 50, ठीक है ना, ये 50 से कितने दूरी पर है 12, ये 50 से कितनी दूरी पर है 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, है ना, जानते हैं हम लोग। अब कैरी एक बचा हुआ है आपके हाथ में, अब इसमें कितना कम कर देंगे 25, कितना कम कर देंगे 25, तो कितना हो गया 37, कितना हो गया 37, और 37 प्लस 1 कितना हो गया 38, 1 वाला कैरी भी जो बचा हुआ है। फिर से एक बार 62 का स्क्वायर, मैं बोलूंगा दूरी कितना है बेस से, तो 12, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, आपके पास कैरी कितना बचा हुआ है 1, अब क्या करेंगे इसमें 25 कम कर देंगे तो कितना हो गया 37 प्लस 1 कितना हो गया 38, बोलूंगा 68 का स्क्वायर, आप फिर से मुस्कुराते हुए बोलेंगे कि सर बेस कितने का 50 का, दूरी कितना 18, 68 का दूरी पर ऐसा कितना हो गया 18, 18 का स्क्वायर कितना 324, 324, कैरी कितना हो गया 3, कैरी कितना हो गया 3। अब इसमें आप 25 कम कर दीजिए तो 43 प्लस 3 46, 43 प्लस 3 क्या 46। तो इस तरह आपने देखा कि हम लोग 50 के बेस के आसपास किसी भी नंबर के स्क्वायर बड़े आराम से निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं और बहुत कम टाइम में निकाल सकते हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप एक बार वीडियो को पॉज करें और आप एक पूरे कॉन्सेप्ट पे एक बार ध्यान से आप फिर से पढ़ लें एक बार, ठीक है, और मैं आपके सामने आपके कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया होगा। चलो अब मैं बताता हूँ, देखो आपके दिमाग में अगला सवाल क्या घूम रहा होगा, आपके दिमाग में अगला सवाल ये घूम रहा होगा सर बाकी बात 150 के बेस की पे स्क्वायर कैसे करेंगे, बोलो दिमाग में आ रहा ना ये बात, आ रहा है ना, क्योंकि मैं एक ही बात जानता हूं कि 150 का स्क्वायर आपको निकालना है बच्चे, 150 के बेस पे निकालना है स्क्वायर, तो मैं एक ही बात जानता हूं कि जिस बेस पे भी स्क्वायर निकालना है उसके मल्टीपल से क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। तो आपके दिमाग में 150 का बेस आ रहा होगा और 157 ही फिगर आ रहा होगा, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, आ रहा है ना कि सर 157 का स्क्वायर निकाल के दिखाइए कैसे निकलेगा, आप समझाते हैं। तो 150 के बेस पे कितना से मल्टीप्लाई करना है, 1.5, 1.5। तो ये हम लोग कैलकुलेशन पार्ट कर रहे हैं और कैलकुलेशन जो होता है बच्चे एक सोच होता है, इसको जितना तोड़ोगे मरोड़ोगे उतना आपका काम क्या होगा, आसानी से होगा, ठीक है ना। तो हमको स्क्वायर निकालना है 157 का, जैसे आपने बोला कि सर 157 का स्क्वायर निकालना है, बताइए सर कैसे निकलेगा, फास्ट निकालना है सर। मैंने आपको बोला कि देखो बच्चे 150 के बेस पे कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, जो पहली बात है वो ये कि आपको 1.5 से मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, आपको 1.5 से मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। बताओ 1.5 क्या होता है, बताना एक बार लैंग्वेज में बोलो, 1.5 मतलब आप घर में गए तो मम्मी को बोले कि मम्मी हमको आज 1.5 रोटी खाना है, तो मम्मी आपको पहले 1 रोटी दे दी, फिर आधा आपको फाड़ी पकड़ा दी, कितना हो गया 1.5, बोलो। तो जैसे आप बोलोगे कि हमको 40 का 1.5 चाहिए, 40 का 1.5, तो बोलेंगे 40 पकड़ो ना, 1 हो गया, उसका हाफ करो ना 20 हो गया ना, दोनों को पकड़ा दो ना कितना हो गया 60, 150 गुना करना ऐसा होता है। मैं बोलूँ आपको कि भाई 168 का 1.5 चाहिए, मैं बोलूंगा अभी आम का बोलूंगा 1.5 आम चाहिए, एक आम पकड़ा दिए आधा आम को काट के आपको दे दिए, 1.5 हो गया क्या। तो 168 का 1.5 चाहिए, तो हमने आपको 168 पकड़ा दिया, कितना हो गया 1, और हाफ क्या हो गया इसका आधा, तो 84, 8 4 12, 8 6 14 और 1 15 और 1। तो इस तरह आप किसी भी संख्या का क्या निकालते हैं, 1.5 निकालते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 1.5 निकालना आ चुका होगा। तो बेस कितने का हो गया 150 का, दूरी कितना 7, 7 का स्क्वायर कितना 49, इसमें कितना प्लस कर दें हम लोग 7, तो कितना हो गया 164। अब बस पंगा आपको यहीं पे आ रहा है ना कि 1.5 कैसे,
नहीं करेंगे, 164 है, 1 हो गया, हाफ कितना हो गया इसका, हाफ 82 हो गया, तो 4 2 6 246, 246। तो इस तरह बड़े आराम से किसका स्क्वायर कर लिए 157 का। क्या किया आप लोगों ने, हम लोग सीखे कि क्या कि किसी भी नंबर को 150 के बेस पर कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1/2 से। तो 1 1/2 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 1 1/2, 1 1/2, 1 1/2। ठीक है, तो बेस नियम वही रहेगा, बेस कितना 150, दूरी कितना 7, 7 का स्क्वायर कितना 49, 7 जोड़ दिए कितना हो गया 164 लिख दिए, एंड 1 1/2 तो इसका हाफ कितना हो गया 82, कितना हो गया 24649। गॉट इट? ठीक है।